दोस्तों जय मसीह, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। और आज का वचन है पहला कुरिन्थी अध्याय 14 और उस चैप्टर में लिखा हुआ अन्य भाषा और भविष्यवाणी, इस ये दोनों विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। क्या सही में वाकई में आजकल का जो अन्य भाषा सही है या गलत है, इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे कि क्या सही में अन्य भाषा मैंने बोलना सही है या गलत है। क्या आजकल का अन्य भाषा और जो पहला कुरिन्थी अध्याय 14 में लिखा हुआ है जो अन्य भाषा वो बात और आजकल का अन्य भाषा का बात क्या मैचिंग होता है कि नहीं होता, इसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग आखिर तक देखिएगा। आमीन। सो सबसे पहले हम लोग वचन को पढ़ेंगे। आमीन। तो देखेंगे हम लोग पहला कुरिन्थी अध्याय 14, पहला कुरिन्थी अध्याय 14 एक से हम लोग 5 तक पढ़ेंगे। आमीन। लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके या कि भविष्यवाणी करो। बोलता आगे वचन 2 कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा होकर बोलता है। ये जो पहला कुरिन्थी अध्याय 14 वचन 2 को उठाकर आजकल गलत नियम बना दिया, गलत डॉक्ट्रिन बना दिया, और पता है इसके चलते आजकल हजारों बड़े बड़े सेवक लोग फंसे किसमें, आजकल का जिब्रिश में, क्योंकि आजकल का अन्य भाषा किसी को समझ में नहीं आता है। तो वही चीज को ये वचन लोग उठा के डॉक्ट्रिन बना दिया। लेकिन वचन आगे क्या कहता है हम पढ़ रहे, ध्यान सुनिएगा। वचन 3 कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता हुआ मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। अन्य भाषा, ये जो चैप्टर है ना, अन्य भाषा में ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। इस चैप्टर में भविष्यवाणी, ये जो भविष्यवाणी में ज़्यादा जोर किया पौलुस जब लिख रहा था। याद रखिए, ये जो पुस्तक, ये जो लेटर जब पौलुस जेल में था उस टाइम लिखा था, ना कि कलीसिया से भेंट नहीं हुआ था उस टाइम, क्योंकि पौलुस उस टाइम जेल में था। तो प्रियो इस बात को भी ध्यान से समझे। मैं वचन 4 कहता है, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपने ही उन्नति करता है, परंतु भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। यहाँ वचन 3 में भी लिखा है कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है, और वचन 4 में लिखा है क्या, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, यानी पौलुस लिख रहा था कि अन्य भाषा बोलने से ज़्यादा तुम भविष्यवाणी करोगे, कहता है। और वचन 5 क्या कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। ये जो चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा और अच्छा से आराम से पढ़िएगा। यहाँ कहता है कि परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया की कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी उससे बढ़कर है। आपने सुन लिया, एक सेकेंड। तो आजकल का जो अन्य भाषा जो रबा रिवे साबा साबा कुछ बोलता है, ये तो वचन से तालमेल होता ही नहीं, वचन से मैच नहीं होता है। ये जो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में जो अन्य भाषा का जिक्र है वो
टंग्स है और उसका मैंने ग्रीक में गुलोसा है और मैंने और गुलोसा मतलब पृथ्वी की भाषा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो समझ में आएगा। तो मेरे प्रियो, आप यदि रबा रबा सबा सबा रिका सबा कुछ आप बोलते हैं तो जरा सोचिए, आप जो बोल मैंने प्रार्थना करते हैं क्या वो जो जो आप बोलते हैं क्या वचन से टैली होता है कि नहीं, और वचन से मैच होता है कि नहीं होता है। यदि आपका जिब्रिस अगर मैच नहीं होता है तो आपका जिब्रिस जो जो आप बोलते हैं वो गलत है। बाइबल का अन्य भाषा को मैं मानता हूँ क्योंकि वो गुलोसा है, वो पृथ्वी की भाषा है और अन्य भाषा प्रचार मैंने मैंने अप्रचार करने के लिए दिया गया और अन्य भाषा प्रार्थना का दान नहीं है, दरअसल बात करने का दान है। वचन को अच्छा से पढ़िएगा, सब लिखा हुआ बात करना, समझ रहे हैं कुछ बात? हाँ, ये वीडियो को देख करके कुछ लोग को गुस्सा आ गया, ये आदमी कहाँ से पढ़ता है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं बाइबिल में जो लिखा है, हम उसी बातों को आपको बता रहा हूँ। आगे हम लोग देखेंगे वचन ना को, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ तुम जो कुछ कहा जाता हुआ कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले टहरो, कहता है वचन दास। कहते हैं जगत में कितने ही प्रकार की भाषा क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ के ना होगे। यानी ये जो पृथ्वी में जितना हजारों भाषा है उनमें से मैंने सारे भाषा उसका अर्थ हो अर्थ है और अर्थ निकलता है और उसका ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है। लेकिन जब आप कलीसिया में बड़े बड़े सभा में आप लोगों ये सिक्का रबा 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 कुछ सभा सभा कुछ बोलते हैं और आप उसके चक्कर में विश्वासों को गिराते हैं, तो सोच के देखिए आपका मिनिस्ट्री और आपका सेवा तो बाइबल से मैच नहीं होता है। पौलुस चाहता था कि इस चैप्टर पर कि जो भाषा का अर्थ जाने समझ अनुवाद हो, ट्रांसलेशन होना चाहिए। जैसे कि लिखा है आगे वचन 13 में, पहला क्रंथ 14 वचन 13 लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करके उसका अनुवाद भी कर सके, अनुवाद भी कर सके। लेकिन प्रियो आजकल तो अनुवाद नहीं होता है, तो इसका मतलब वचन से बाहर है। तो जब वचन से बाहर जो लोग सिखाते हैं तो वो तो गलत है, ऑटोमेटिक गलत है। यदि आपका जिब्रिस आपका जो अन्य भाषा आपके हिसाब से आप मानते हैं, अगर आपका जो टंग से वचन से मैच नहीं होता है तो आपका गलत है। लेकिन प्रियो पौलुस जब बोल रहा था वो तो गुलोसा है, उसका ट्रांसलेशन को पढ़िएगा, यूनानी भाषा को पढ़िएगा, ग्रीक में पढ़िएगा कि उसका क्या अर्थ होता है। यूं ही पढ़ने से नहीं होगा फ्रेंड। मैंने लिखा है कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करेंगे उसका अनुवाद करें। आगे हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, आधे वचन 19 को, एक सेकंड। पहला क्रंथी अध्याय 14 वचन 19 में लिखा है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें कहूँ। क्या कहता है? 5 बातें कहूँ। वचन 22 को हम लोग देखेंगे, इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए है। आगे देखेंगे, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। यहाँ विशेषकर ये वचन को आज से पढ़िएगा, पहला क्रंथी अध्याय 14 वचन 22 ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है।
और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो इस अध्याय पर सबसे ज्यादा भविष्यवाणी पर फोकस किया है। और रहा बात वचन 28 में, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया में शांत रहे। पौलुस चाहता था कि इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, अनुवाद होना चाहिए। ये वचन कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड। आगे लिखा वचन 33 में, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 33 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। क्या बात है। इस अध्याय पर ये जो पहला कुरिन्थियों अध्याय 14, ये जो पूरा चैप्टर को यदि आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या पौलुस क्या कहना चाह रहा था। और जब उस अन्य भाषा के बारे में बोल रहा था जो कि गुलोसा है, और पौलुस चाहता था कि उसका अनुवाद हो, और लेकिन आजकल तो अनुवाद नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, क्योंकि इसलिए कि लाइट जो है चला गया, इस कारण से हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग बड़ी विस्तार से बातचीत करें याद है पर। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग कुछ सीखे होंगे। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे।